दूसरी तरफ से एक और रिलीफ की भी बात करें, क्योंकि कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट के अंदर यह साफ कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन रिलीफ बांटने में नाकाम हुई है और लगातार केंद्र की तरफ से जो पैसा दिया गया था रिलीफ रिहैबिलिटेशन के लिए उसे बांटा ही नहीं गया और तकरीबन 4.28 करोड़ रुपए की रकम बिना बांटे अकाउंट्स में रखी गई है। सुबह भी हमने एक मसले पर बात की थी, इस वक्त रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का मामला इसलिए अहम है क्योंकि पहले हमने देखा बाढ़ आई थी, उसके बाद सिचुएशन आपके सामने है, न तो तब रिलीफ पूरा मिला और ना ही अब किसी को रिलीफ मिलने की कोई उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि केंद्र की तरफ से पैसे जरूर दिए जाते हैं लेकिन उन्हें बांटा क्यों नहीं जाता है, इसके पीछे बड़ी कहानी अफसरशाही की बताई जा रही है और अहमद की टोपी महमूद के सर डालने में अफसर हमेशा माहिर रहते हैं और यही वजह है कि इस रिलीफ के मामले पर भी बड़े सवाल सीए जी ने उठाए हैं। सीधे चलते हैं जी श्रीनगर, अमजद मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अमजद, अपडेट कीजिएगा, 4.28 करोड़ रुपए की रकम किन लोगों के लिए थी, किन अकाउंट्स में अभी ये है और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोई रिएक्शन आया है इस पूरे मामले पर? कहा दो खातों की बात करेंगे, एक आपने जिस तरह से कहा 28 करोड़ रुपए वो खाता अलग है और 5.48 करोड़ रुपए ये खाता अलग है, यानी कुल मिलाकर के 9.76 करोड़ रुपए का ये खाता, इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको हम लोग 4.28 करोड़ रुपीज के खाते के बारे में बताएंगे। ये अलग अलग तरह के कंपनसेशन थे जो सरकार ने उन लोगों को दिए थे जो विक्टिम्स बने अलग अलग नेचुरल डिजास्टर्स के और अलग अलग समय पर जो मिलिटेंसी एक्टिविटीज रिलेटेड जितनी भी विक्टिमाइजेशन हुई उसके विक्टिम्स बने और उसके साथ साथ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के विक्टिम्स बने। ये जो 4.28 करोड़ रुपीज का खाता है ये पूरा जम्मू का है। इस खाते पर एक बार नजर घुमाएंगे, इसमें बताना चाहेंगे कि तहसीलदार अखनूर, तहसीलदार बिश्ना, तहसीलदार आरएसपुरा, तहसीलदार सुंदरबनी, तहसीलदार नौशारा, तहसीलदार रियासी और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू राजौरी के खातों में पड़ा ये जो रकम है ये लोगों को दी जानी थी कंपनसेशन की तरह पे। रिलीफ कंपनसेशन भी इसमें है, रिलीफ जो साल 2009 में दी गई थी वो रिलीफ कंपनसेशन है, ड्राउट रिलीफ जो सुंदरबनी में दी गई थी वो रिलीफ कंपनसेशन है, क्रॉप पैडी सीड्स की जो तबाही हुई थी बिश्ना में साल 2009 में, साल 2010-11 में उसकी कंपनसेशन थी और बॉर्डर फायरिंग माइग्रेंट जो अखनूर के थे उनकी कंपनसेशन थी, लेकिन ये अभी तक इन सभी खातों में पड़ी हुई है जम्मू कश्मीर के, जिनमें 1.25 करोड़ रुपए से शुरू होकर 19 लाख रुपए तक का अलग अलग खाता अलग अलग अकाउंट्स में पड़ा है, जिनमें से अभी तक महज दो ही अकाउंट का जो हिसाब किताब है वो वापस डिप्टी कमिश्नर या फिर DDO जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं उन तक पहुंचा है, जिसमें एक अगर हम आपको बताएं तो ये सुंदरबनी का खाता है और एक नौशहरा का खाता है जिसका अमाउंट जो है वापस रिटेन कर लिया है डिप्टी कमिश्नर से साल 2019 में, लेकिन बाकी जितना भी अमाउंट है ये अभी भी तहसीलदारों के खातों में पड़ा है, ना ही लोगों के पास जा रहा है ना ही सरकार के पास वापस जा रहा है। इसकी बड़ी बुनियादी वजह क्या कुछ पता लग पाया है कि पैसा है हमारे पास, केसेस भी हमारे पास है लेकिन पैसा नहीं बांटा गया, क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें है या वही रिवायती परेशानी हमारी है कि अफसरशाही है, लाल फीताशाही है? देखिए इसको अफसरशाही भी एक तरह से हम कह सकते हैं क्योंकि अफसरों ने बार बार कोटेशन में ये लिखा है कि जो बेनिफिशियरीज हैं वो वेरीफाइड नहीं है, साल 2007 से ये कॉम्पनसेशन पेंडिंग है लेकिन अभी साल 2021 है, इतने सालों में भी अगर कागज पत्र सही नहीं कर पाए तो ये अफसरशाही की ही गलती है, क्योंकि लोग कितना ही फिर खुद को रेक्टिफाई करें हर जगह पर हम देखते हैं कि लोग लगातार कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए साल 2014 कश्मीर की अगर हम बात करें, सैलाब आया उसके बाद रिहैबिलिटेशन रिलीफ फंड आए सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके भी कई सारे खाते अभी तक पेंडिंग है, आपको लगातार मॉर्निंग शो में सवाल आ रहे थे कि हमें फंड नहीं मिले, रिलीफ नहीं मिला, 5.48 करोड़ रुपए का वो फंड भी सरकार के पास पड़ा हुआ है, अलग अलग DDO के पास पड़ा है, 58 DDO अकाउंट्स और रेवेन्यू अकाउंट्स में ये खाता 5.48 करोड़ का पड़ा है। जो DDO है वो कहते हैं कि जी बेनिफिशियरीज ओरिजिनल नहीं है, बेनिफिशियरीज में कुछ मॉडिफिकेशन है इसलिए ये रिलीफ नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन ये रिलीफ फंड फिर वापस सरकार को भी क्यों नहीं दिया जा रहा है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये दोनों ही अकाउंट्स अगर हम मिला दें तो गौहर ये लगभग 9.76 करोड़ रुपए बनता है जो साल 2007 से लेकर साल 2021 तक सरकारी खातों में पैसा पड़ा है, न गरीब तक पहुंच रहा है न सरकार तक वापस पहुंच रहा है, महज कह सकते हैं कि धूल खाते हुए ये वो नोट है जिनका कोई वैल्यू अभी नहीं है, क्योंकि लोग भी तरस रहे हैं और सरकार के पास भी ये वापस नहीं जा रहा पैसा और DDO लगातार यही कहते सुनाई देते हैं कि हमारे पास तो फंड भी नहीं है। बहुत शुक्रिया जी अमजद हमारे साथ ये समझाने के लिए कि कैग की रिपोर्ट ने किस तरीके से ये खुलासा पेश किया कि पैसा तो आया
बटा नहीं, बटा नहीं, क्यों नहीं बटा, उसके लिए तरह तरह के हीले बहाने जो है वो बताए जा रहे हैं।